मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है वीएचपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की। पेशे से सर्जन प्रवीण तोगड़िया आजकल वीएचपी के अयोध्या आंदोलन की सर्जरी में जुटे हुए हैं। 20 साल से जारी यह आंदोलन राजनीति, अदालत और सांप्रदायिक दंगों जैसी बीमारियों का शिकार है। अब वीएचपी ने 15 मार्च को ऑपरेशन की तैयारी की है। तोगड़िया ये ऑपरेशन कैसे करेंगे, या फिर हर बार की तरह आखिरी मौके पर यह ऑपरेशन एक बार फिर टाल दिया जाएगा, इन सवालों पर करते हैं प्रवीण तोगड़िया से ही सीधी बात। डॉक्टर साहब का स्टूडियो में स्वागत है, बहुत चर्चा में आजकल आपके। 15 मार्च को क्या होने वाला है? 15 मार्च के दिन मंदिर निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्रियां है और उसकी धार्मिक विधि है वो हमने प्रारंभ करने का तय किया है, वो हम 15 मार्च को करेंगे। उसके ऊपर आप अडिग हैं, बदलेगी नहीं? सिर्फ अडिग नहीं है, हम अटल हैं। अटल जी को छोड़ के आप अपने अटल चलाने लग गए? हम अटल ही है। अटल जी को छोड़ दिया आपने, इसका मतलब? हमने किसी को नहीं छोड़ा था, हम तो घर छोड़कर राम के लिए निकले थे। हमारे रास्ते पर राम अयोध्या तक किसको चलना है उन सबका हमने स्वागत किया था, नहीं चलना है उनको उनका रास्ता मुबारक था। आप 20 साल से ये आंदोलन चल रहे हैं, लगता नहीं कि किनारे पे लगेगा ये? 20 साल का नहीं, 474 साल का है। 474 साल पहले तो वीएचपी नहीं थी। हम नहीं थे, आपने 20 साल पहले शुरू किया ये काम? हम नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने भारत में मंदिर बनाए, पर उन्होंने अयोध्या में मंदिर नहीं, अयोध्या में उन्होंने छावनियां बनाई और छावनियां बनाकर आज से 474 वर्ष निरंतर लड़ते रहे। वह परंपरा को निर्वहन करके वह काम पूरा करने का विश्व हिंदू परिषद प्रयास कर रही है। कई सरकारें गिर गईं, आपने गिराई, कई हजार लोग मर गए, देश बदनाम हो गया, पर मंदिर अभी आपका नहीं बना। और कितनी बार कितने लोग और मरेंगे और कितनी सरकारें आप और गिराएंगे मंदिर बनाने के लिए? आपका इशारा कौमी तूफान पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौमी तूफान क्या राम मंदिर आंदोलन के कारण हो रहे हैं? तो राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ 1984 में किया, क्या इसके पहले कौमी दंगे नहीं हुए? क्या विश्व हिंदू परिषद को दोषी मानेंगे? तो 64 में प्रारंभ हुई, इसके पहले दंगे नहीं हुए? क्या दंगे भारत में हिंदू यदि करता तो भारत में होता? दंगे चाइना के सिक्यांग प्रांत में बौद्धों के विरुद्ध कौन कर रहा है? रसिया में ऑर्थोडॉक्स ईसाई के विरुद्ध कौन रहा है? कौन कर रहा है बोस्निया में? कौन कर रहा है इसराइल में? कौन कर रहा है फिलीपींस में? दंगे के लिए न राम मंदिर आंदोलन, न विश्व हिंदू परिषद, न स्कूटर, न रिक्शा, असहिष्णु जिहाद की विचारधारा जिम्मेदार है। आप स्कूटर बंद करवाइए, क्रिकेट बंदवाइए। वहाँ वीएचपी टाइप लोग वहाँ भी होंगे, मैं मान लेता हूँ इस बात को। नहीं, वीएचपी टाइप नहीं, कुल मिलाकर ये विचारधारा जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा किया, जिन्होंने राम मंदिर ढहाया, जिन्होंने गोधरा किया, जिन्होंने कश्मीर घाटी को हिंदू भी किया। कितने ढहा राम मंदिर? व्यक्ति ने नहीं, बाबर व्यक्ति नहीं थी, वह जिहाद की असहिष्णु विचारधारा थी। बाबर ने गलत काम किया, मंदिर तोड़ दिया, अगर आपकी बात मान ली जाए तो। आपने वही काम किया जो उसे तोड़ा, आपने उसको तोड़ दिया, तो दोनों में फर्क क्या रह गया? आप भी बाबर हो गए? नहीं, दोनों में अंतर है। आपने 10,000 लोग की चढ़ाई कर दिया और गिरा दिया सब कुछ? नहीं, बाबर ने जो तोड़ा था वह भगवान राम के जन्म स्थान का मंदिर तोड़ा था। हमने जो तोड़ा था वह डिफेक्टो डू जूरी मस्जिद नहीं थी, वह हमारा पुराना मंदिर था। हमने अपना पुराना मंदिर जहाँ भगवान रामलला की पूजा होती थी वह बड़ा मंदिर बनाने के ढहाते हैं, जैसे मैं मेरे पूर्वजों का मकान बड़ा बनाने के लिए छोटा ढहाता हूँ। इसलिए हमने कोई मस्जिद नहीं ढहाई, हमने रामलला का मंदिर ढहाया। डॉक्टर साहब, इसका मतलब आपका वीएचपी का एक उद्देश्य यह है कि जहाँ भी आपके मंदिर कभी गिराए गए तो आप सबको गिराना सिकुड़ देंगे एक के बाद एक? किस आधार? यदि हिंदू धर्म में से राम कृष्ण भगवान शंकर को निकाला जाए तो हिंदू धर्म में कुछ रहता नहीं है। हमने मुस्लिम समाज से मांग की कि आपने 30,000, आप मानी आपकी विचारधारा ने 30,000 मंदिरों पर मस्जिदों बनाई है। किस आधार पर कह रहे हैं 30,000 मंदिर पर? आप मैं एक, एक नहीं, मैं सैकड़ों मुस्लिम क्रॉनिकल्स आपके पास रख सकता हूँ। मेरी जबान में नहीं, बाबर के साथ आने वाले, बाबर नामा लिखने वाले, औरंगजेब के साथ रहने वाले, इसलिए मुस्लिम क्रॉनिकल्स ने कहाँ कहाँ मंदिरों तोड़कर मस्जिदें बनाई है वह हमारे पास उपलब्ध है। इस तरह की डिबेट शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब देश के अंदर बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, मंदिर गिरते रहेंगे, मस्जिद गिरते रहेंगे, आप पर आग लगाते रहेंगे और कोई समाधान नहीं निकालेंगे इस बात? मैंने यही कहा कि कुल मिलाकर आप प्रश्न के मूल में जाने का प्रयास करो। गोधरा में निर्दोष हिंदू ट्रेन में जा रहे थे, 2000 मुसलमानों ने घेर लिया। 2000 लोग कैसे आए? 5-10 ने किया होता तो मैं समझ सकता, और मानो 2000 आ गए तो 5000 को बताओगा? ये 5000 में से एक भी व्यक्ति निकला जाकर पुलिस को बताए? कुल मिलाकर ये मानसिकता को समझो, ये मानसिकता तो एड्रेस करो। यहाँ के भारत के मदरसा
पैथोजेनिक किलर तैयार कर रहे हैं, इसके कारण ये हो रहा है। आप वीएचपी और बीएचपी का काम, बीजेपी का काम जो है कि हिंदू को भड़काओ और हिंदुओं के भिखमंगे वोट बनाओ, ये भी तो रिएक्शन आपका है। देखो आप बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को एक नहीं मानते हैं। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट जिनको ठीक लगे वो दिया था। बीजेपी को दिया था कि नहीं दिया था? मैं वोट व्यक्तिगत किसी को दू उसके कारण मेरे संगठन की विचारधारा नहीं बनती है। नहीं, आपने वोट बीजेपी को दिया था कि नहीं दिया था? हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लिए कमिटेड है, इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जरूर कुछ राजनीतिक पक्ष हमारे नजदीक है। आप कांग्रेस के लिए तो वोट नहीं मांगते लोगों से? इसलिए नहीं मांगते हैं कि वह कांग्रेस आज हिंदू मारा जाता है तो बोलने की उनकी तैयारी नहीं है। इतने मुसलमान मारे गए, सोनिया गांधी कल गुजरात जा रही है और गोधरा में जाने की उनकी तैयारी नहीं है, कैसे हिंदू वोट देगा? आपने एक जगह कहा था पिछली बार में भाषण में, सोनिया जी गई थी जब क्रिश्चियन के ऊपर अटैक हुआ था, तो आपने सोनिया जी के ऊपर भी एक कम्युनल कार्ड लगा दिया? एक बार नहीं, आपका पॉलिटिकल मोटिव है ना। सोनिया जी डांग गई, हिंदू ट्राइबल को नुकसान हुआ था, ईसाइयों को मिली, कुल मिलाकर अभी भी घटनाओं में गोधरा में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, आवाज नहीं उठाई, दूसरे दिन रैलियां निकल नहीं गई। सोनिया जी ने पहले दिन क्रिटिसाइज किया। सोनिया गांधी इज नॉट बिहेविंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी इज बिहेविंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इटालियन नेशनल कांग्रेस। डॉक्टर साहब सीधे मन से, मैं आप ठंडे मन से सोचिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, जो गोधरा में हुआ वो ज्यादा बड़ा है या उसके बाद जो हुआ जो सबसे बड़ा देश के ऊपर कलंक है? महत्व की बात है गोधरा में हुआ वह क्यों हुआ, पहले जवाब दे। गोधरा में हुआ क्यों, निर्दोष लोग, बड़ा कांड कौन सा है? बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा गोधरा का कांड है। निर्दोष लोग जा रहे थे विदाउट प्रोवोकेशन, उनको 2000 लोगों ने घेर कर जिंदा जला दिया। यह जघन्य अमानवीय योजनाबद्ध कृत्य है और गोधरा इंसिडेंस नहीं है, गोधरा एक जिहादी विचारधारा की अभिव्यक्ति है। कि गोधरा का बदला आपने लिया दूसरे दिन? हमने नहीं लिया। ये सेक्युलरिस्ट, लेफ्टिस्ट और मुस्लिम भिखमंगे राजनेताओं ने देश के हिंदू को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। ये कैसी बात है कि गोधरा में इसलिए घटना हुई कि किसी ने स्लोगन शाउटिंग किया और किसी ने चाय का पैसा नहीं दिया? क्या स्लोगन शाउटिंग और चाय के पैसे की याद दिलाकर गोधरा में जिंदा जलाने वाले को जस्टिफाई करने वाले सेक्युलरिस्ट, लेफ्टिस्ट और पॉलिटिशियन होंगे तो हिंदू जनता में प्रतिक्रिया उठेगी। इसमें हिंदू जनता को उश्कना का काम तो आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मंदिर तो नहीं बन रहा है इस स्टूडियो में इस वक्त, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वीएचपी का काम यह है कि सेक्युलर से लड़ाई करें या जो इनोसेंट लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उनको मरवाते रहे? वीएचपी तो किसी से लड़ाई नहीं करती है, वीएचपी ना किसी से। आपने बंद का कॉल दिया, आपको पता था बंद कॉल करने से नुकसान होगा? नहीं चावला जी, क्या आप सेक्युलरिस्टों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू जनता की जबान पर इमरजेंसी लगाने का निर्णय किया है? क्या लोकतंत्र में शांतिमय बंद देने का मेरा अधिकार नहीं है? हिंदू को आप ही वर्णन नहीं देते? देखो आप गुजरात की घटना और बंद को अलग करो, गुजरात में गोधरा के बाद प्रत्याघात आया, मैं स्वीकार करता हूं, हमने भारत बंद का ऐलान दिया, कहां हिंसा हुई? आप जो और यदि विश्व हिंदू परिषद की योजना से हिंसा होती तो भारत का हर गांव चलना चाहिए था। भारत बंद में कोई शांति? और आप भारत बंद का ऐलान देकर हमारे लोकतंत्र अधिकार भी छीन रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपने सेक्युलरिस्ट की अगर आपकी बात मान भी जाए थोड़ी देर के, सेक्युलरिस्ट ने जबान बंद कर दी हिंदुओं की, नहीं ताला लगा दिया है। आपने ताला लगा दिया सेक्युलरिस्ट ने, पर आपने वीएचपी ने क्या किया है कि देश के ऊपर मुस्लिम के ऊपर जिहाद छेड़ दिया है किस्म से? अरे हिंदू जिहादी बन नहीं सकता है, जिहादी वही है जो अपने उपासना पद्धति को मानने वाला स्वर्ग में जाएगा शेष नरक में जाएगा उनके विरुद्ध जो युद्ध का ऐलान करता। हिंदू वही है जो सृष्टि के कण कण में भगवान का दर्शन करता। यदि मैं हिंदू हूं आप में भगवान देखूंगा, मुसलमान में भगवान देखूंगा, इसलिए हिंदू जिहादी बन नहीं सकता है। और जिहादी वही है जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में और भारत के मदरसों में पैथोलॉजिकल क्लियर तैयार कर रहा है। ये तो आपका राम का नाम लेकर के तलवार उठा लो और मार दो लोगों को। नहीं, राम का नाम उठाने वाला कभी तलवार नहीं उठाएगा, तलवार उठाएगा जिहाद का नाम लेने वाला। हाँ, राम का नाम लेने वाला जिहाद की तलवार का जवाब जरूर देगा, क्योंकि उनको बचाने वाला सरकार बचा रही है ना, सेक्युलर्स बचा रहा है। आप जिहाद मुसलमानों के खिलाफ छेड़ा या नहीं है इसके बाद हम आपसे जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है, हम बातचीत कर रहे हैं वीएचपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से। तोगड़िया जी, आप बता रहे थे हिंदू कभी जिहादी नहीं हो सकता, तो गुजरात में जो हुआ वो जिहाद से क्या कम है? लोगों को जिंदा जला दिया गया दोनों तरफ से। मुझे हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ बताओ जो गैर हिंदुओं के विरुद्ध कत्लेआम का आदेश देते हैं। मैं एक नहीं, यह कुरानी कंसेप्ट ऑफ वॉर, यह जिहाद का मैनुअल है, पाकिस्तानी आर्मी का टेक्स्ट बुक है, सिविलियन का टेक्स्ट बुक है और यह कुरान के आधार पर है। मुझे हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ बताओ। पाकिस्तान के ऊपर जिहाद छेड़िए ना, अपने देश के भारतीय के ऊपर। पूरे देश में पाकिस्तान के मदरसा और भारत के मदरसा में कोई अंतर नहीं है, ये कुरान तो नहीं है ना। सभी का प्रेरणा तंत्र तालिबान का केंद्र अफगानिस्तान में नहीं, भारत के देवबंद में है।
और देवबंद की प्रेरणा के आधार पर अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत का मदरसा चलाता है। यदि अफगानिस्तान का देवबंदी मदरसा मुल्ला उमर अजर मजूद और मियां मुशरफ तीनों देवबंदी पैदा करते हैं तो भारत के मदरसा गुधरा कैसे पैदा नहीं करे। और आप लोगों में साहस नहीं है पैथोलॉजिकल किलर तैयार करने वाले मदरसा पर प्रतिबंध लगाए। ये देश के नेताओं में साहस नहीं है, उन्होंने मुस्लिम वोटों के सामने घुटने टेक कर देश के समाज को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। डॉक्टर साहब आप ठीक है, आप स्टूडियो में मेरे को भी इंटिमिडेट कर रहे हैं जैसे आप बाकियों को बाहर करते हैं, पर मेरे पास सरकार तो है नहीं, सरकार आपने चुनवाई, आपकी सरकार यूपी में थी, आपकी सरकार केंद्र में है, इन्होंने अगर पॉलिटिकल फाइट क्यों नहीं किया आपने देवबंदियों के खिलाफ, जो जिनके खिलाफ आपकी शिकायत है। मैं आपसे सहमत हूं कि जिनकी जितनी अपेक्षाएं थी इतना फाइट और व्यवहार नहीं किया है। जरूर कभी रिलीजियस एक्ट 2000 लाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया गया तो हमारे मुस्लिम मतों के पीछे जाने वाले बंधुओं ने देश की सुरक्षा और आतंकवाद के संदर्भ में भी विचार नहीं किया, पर जितनी अपेक्षा थी उतनी फाइट नहीं की और इसलिए मैं दोषी एक पक्ष, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, कुल मिलाकर देश के सभी राजकीय पक्ष मुस्लिम मतों के कारण देश की सामान्य जनता की सुरक्षा को समाप्त कर चुके हैं। जो कश्मीर का आतंकवाद कश्मीर की सीमाओं में था वह लाल किला से संसद से आगे बढ़कर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। डाइवर्ट कर गया आप, आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार यूपी में, आपकी सरकार गुजरात में, जब आप शुरू हुआ था आंदोलन तो आपकी सरकारें 8 प्रदेशों में थी, जब से आप आंदोलन शुरू किया सरकारें घटती चली जा रही हैं, आपको लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, आपकी विचारधारा को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका बदला आप क्या दंगे फैला के लेंगे? पहले तो ये सरकारें देश की जनता की थी, लोकतंत्र में सभी सरकारें हमारी हैं। मैं भारतीय कांग्रेस की सरकार भी आपकी, हाँ हमारी है, बिल्कुल लोकतंत्र में हमारी है, कोई हमारे अनुकूल है कोई प्रतिकूल है। मुलायम सिंह भी आपकी होगी, हमारी बिल्कुल हमारी है, लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार मेरी है, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आधार पर हिंदुत्व मूल्यांकन न करो। सपोर्ट टू पोटो, सपोर्ट टू राम टेम्पल इज नॉट इक्वल टू सपोर्ट टू बीजेपी। इसलिए हिंदुत्व का मूल्यांकन विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के आधार पर कीजिए। भाजपा से मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि एक के साथ दूसरों को जोड़कर आप कुल मिलाकर एक के आधार पर दूसरे को मुलायम तो आपके खिलाफ है ना, आपकी विचारधारा के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ। आपने यूपी में एक भाषण दिया था कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को चॉइस करनी होगी, टेररिस्ट बाबर और 90% हिंदू, तो अगर मुलायम आपके खिलाफ है, यूपी के लोगों ने आपके नारे को रिजेक्ट कर दिया। इस चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने राम मंदिर का इश्यू नहीं लिया था, बीजेपी वाले बेचारे घूम गए। और हमने भी हमारी संत यात्रा जो निकली हमने 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था, इसके बाद चुनाव पूरा होने के बाद हम 24 फरवरी में पूर्णाहुति यज्ञ के लिए गए। इस समय के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। यूपी के अंदर तो ऐसे लोगों को चुना है जो राम मंदिर बनाने के उस स्थान पर जहां आप चाहते हैं वो खिलाफ है। राम मंदिर का सरकार उनकी बन जाती है, राम मंदिर का विषय प्रमुख विषय था, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस विषय पर इंक्लूडिंग भाजपा ने जिन्होंने राम रथ पर सवार होकर शासन किया। जब आपने आंदोलन शुरू किया था तब आपको पता था फरवरी में चुनाव होने हैं, तो आपने चुनाव की डेट ध्यान में रखकर के आंदोलन शुरू किया। हमने जो निर्णय किया था 21 जनवरी 2001 में किया था, तब पता था कि 2002 में इलेक्शन होने हैं। नहीं, अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला था क्योंकि अक्टूबर में 5 साल पूरे होते थे, बाद में इंटरप्रिटेशन बदला। हमारा अंदाज था कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसलिए चुनाव टालकर ही हमने किया था। और चुनाव जब आ गया तब चुनाव के दौरान आप मुझे बताइए एक भी मेरा पब्लिक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर का चुनाव के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। एक बात, अभी जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है उसमें शंकराचार्य जी भी बीच में पड़े, तो लगता है कि वो तो सिरे चढ़ेगी नहीं बात। आप ना तो प्रधानमंत्री की अपील मान रहे हैं ना शंकराचार्य की अपील मांग रहे हैं, तो हुआ क्या? देखो समझना चाहिए कि कोई हिंदू ये कहे कि मक्का में भगवान शंकर का मंदिर बना दो, मुसलमान बंधुओं को कितना खराब लगेगा, कितना नाराज होगा? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मेरे। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। थियोलॉजी ऐसे ही हम अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर और मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वह बनाने का कार्यक्रम रोकने की अपील प्रधानमंत्री करे, गृह मंत्री करे, हम वह माने, उसका अर्थ है कि हम भगवान राम के साथ द्रोह कर रहे हैं। हम राम के साथ राज के साथ नहीं है, हमने घरबार छोड़े हैं, आप तो 20 साल से रुके हुए हैं, अपनी जवानी में कफन बांधा है, वह राम के लिए, हिंदू समाज के लिए, राज के लिए नहीं, और राम के लिए किसी भी राज से लड़ सकते हैं। हम लड़े थे वीपी सिंह के साथ, लड़े थे राजीव गांधी के साथ, लड़े थे नरसिंह राव के साथ, अन्य लोगों को फैसला करना है। आप बटर भाई के लड़ेंगे? आप लगता है
लड़ाई आपने बिल्कुल बजा दिया संघर्ष का आपने। नहीं, हमने तो कहा था कि राम या बाबर फैसला कर लो, 12 मार्च तक का समय सबके पास है, फिर नारा लगाने वाले हैं, कथम राम की खाते हैं। नहीं, हमने नारा पहले से 84 से एक ही लगाया है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसमें हमने नारा नहीं छोड़ा है, अन्य लोगों ने छोड़ा है, हम 84 से आज तक अपने नारे पर कंसिस्टेंट है। एक नारा याद है आपने इंदिरा गांधी ने लगाया था, गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कभी नहीं हटी, गरीब हट गया तो आपका मंदिर तो बनने से रहा। हमने नारा लगाया था, ताला, राजनीतिक नारा बन गया ये आपका, हमने ताला खुलवाया इकट्ठे करने के लिए, हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया, हमने बाबरी ढांचा हटवाया, और 15 तारीख के बाद राजीव गांधी ने खुलवाया था, आपने कहा? अरे भाई, हमने आंदोलन किया था, आंदोलन की ताकत पर खुला था, शिलान्यास किसने करवाया, बाबरी ढांचा किसने हटवाया? और आज भी हम विश्वास देते हैं कि मंदिर निर्माण होकर रहेगा, और देश की 90 करोड़ जनता देखेगी कि मंदिर निर्माण मार्च में होकर रह जाएगा। आपने तो आज कहा है कि अदालत की बात मानेंगे, डिस्प्यूटेड लैंड जो अदालत फैसला करेगी, पहले से ही एक कदम आगे दो कदम पीछे, ये राजनीतिक चाल होती है, आप भी वही राजनीति की तरह कर रहे हैं। पहले से हमने स्पष्ट किया था कि जो परिसर है उसमें जहां रामलला का मंदिर है वह जमीन विवादित है। हमने इस समय कहा था कि हमारा जो मंदिर बनने वाला है वह विवादित जमीन से हम प्रारंभ करने वाले नहीं है, जो अविवादित जमीन है, जो जमीन विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास की थी, 7 जनवरी 1993 को नरसिंह राव जी ने कानून बनाकर हमसे छीन ली थी, जिस जमीन पर किसी कोर्ट में केस नहीं है। आपने आज तक नहीं कहा था, क्वेश्चन ऑफ फेथ, आप कहते हैं ये तो फेथ का सवाल है, कोर्ट फैसला नहीं करेगा। जो सुनिए, इस पर किसी का केस नहीं था, वह जमीन पर मंदिर निर्माण करने की बात ही हमने पहले से कही है, आज भी वह कहते हैं कि अविवादित जमीन हमें दी जाए, उस पर मंदिर निर्माण प्रारंभ करेंगे, और 15 मार्च के बाद हम अविवादित जमीन पर मंदिर प्रारंभ करके ही रहेंगे। प्रश्न हमने पहले से कहा था कि यह प्रश्न मंदिर का नहीं है, प्रश्न भगवान के जन्म स्थान का है, किसी जगह का टाइटल। कानून की बात ही कर रहा हूँ मैं, कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो विवादित स्थल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप मानेंगे ना आप? हमने यह कहा कि यह भगवान राम के जन्म स्थान का प्रश्न है, दुनिया में शंकराचार्य जी ने आज कहा कि आप उसके फैसले की इंतजार करेंगे। सुनिए, इंतजार करेंगे नहीं, इसका जवाब यस और नो में दीजिए। नहीं नहीं, यस और नो में हर प्रश्न का जवाब संभव नहीं है। इसका मतलब शंकराचार्य जी को भी आपने गोलमोल बात नहीं नहीं, शंकराचार्य जी को स्पष्ट हमने कहा है, हमने स्पष्ट समझाया है कि विवादित स्थान को हम स्पर्श नहीं करेंगे, वहां जाएंगे नहीं, वहां मंदिर निर्माण हम इस समय नहीं करेंगे, इस समय विवादित स्थान में ही मंदिर निर्माण करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात मैं ठीक समझा हूं तो आपका कहना यह है कि कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ गया तो आप उसको नहीं मानेंगे? नहीं, हमने ऐसा भी नहीं कहा है, हमने इतना ही कहा है। ये तो कह रहा आप, नहीं, हम इतना अविवादित क्या कहा है? आप एक लाइन में बताइए कि आपने कहा क्या है। हमने यह कहा है आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, राजनीति नहीं, हम सीधी बात यहाँ पर सीधी बात होती है। हम अविवादित जमीन पर मंदिर निर्माण प्रारंभ करेंगे, और विवादित जमीन पर जहाँ रामलला है वहाँ इस समय मंदिर निर्माण के लिए हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं, उनका स्टेटस को हम इस समय मेंटेन कर रहे हैं। ओके, स्टेटस को मेंटेन आगे भी करेंगे करेंगे, और कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया तब भी मानेंगे आप उस बात को? हमने स्टेटस को मेंटेन करेंगे यह आश्वासन दिया है, और शेष जगह मंदिर निर्माण हम प्रारंभ करेंगे। तो वही मंदिर क्यों नहीं बना देते आप? मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता, मैं सहमत हूँ, मुझे बनाओ, आपका और मेरा जन्म स्थान 1 फुट हट सकता है, आप हाँ बोलो, मैं कल जन्मस्थान से हटकर मंदिर बनाने की सहमति दे दूंगा, आप हटा देंगे आपका जन्मस्थान 1 फुट? नहीं, मैं आप मुझे उत्तर दीजिए, आप मुझे प्रश्न पूछते हैं, मुझे भी पूछने का अधिकार। मेरा जन्मस्थान तो पाकिस्तान में है, तो मेरे को आप फौज दे दिए, मैं वहीं कब्जा कर लूं जाकर के उसको भी। कब्जा नहीं, नहीं, यह जन्म पाकिस्तान को खत्म कर दूं, पाकिस्तान से भारत में ला सकते हैं, और भारत में नहीं ला सकते तो जहां रामलला जन्मे थे वहां से 5 फुट मैं कैसे ले जाऊं, वो समझने का प्रयास करिए जी। प्रभु की जन्म स्थान पाकिस्तान में है, उसके ऊपर तो कब्जा होने सकता, आपकी जितनी फौजें मेरे साथ आ जाए, मेरा समय कम है, अब हम देखेंगे कि आप कहां कब कैसे मंदिर का निर्माण करेंगे। स्टूडियो में आने के लिए